दोस्तों आज हम आपको पाकिस्तान के माजी के मशहूर और मरूफ अदाकार सदाकार डांसर इस्माइल शाह के बारे में बताएंगे। इस्माइल शाह 22 मई 1962 को कशीन बलूचिस्तान में पैदा हुए हैं और वो 19 अक्टूबर 1992 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल कर गए थे। आज उनको हमसे बिछड़े हुए तकरीबन 30 साल हो गए हैं। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज तो 1980 में पाकिस्तान टेलीविजन ड्रामा सीरियल शहीन से किया था और उन्हें बेहद इज्जत भी मिली थी। लेकिन अब बात करते हैं कि वो फिल्मों में कैसे आए थे। अदाकार सदाकार इस्माइल शाह फिल्मों में कैसे आए, उसकी स्टोरी कुछ यूं है। एवर न्यूर पिक्चर्स और हदायतकार हसन अस्करी की फिल्म सोने की तलाश की बिरौने मुल्क अक्सबंदी के लिए जब फिल्म का यूनिट मिस्र पहुंचा तो सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिल सकी। तमाम अदाकारों की तारीखें हासिल की जा चुकी थीं। ये वो दौर था जब जुवेद शेख उर्दू फिल्मों में जरूरत बनकर रह गए थे। किसी फिल्म के लिए जुवेद शेख की तारीखें हासिल करना काफी मुश्किल था। वो उस फिल्म के लिए महदूद तारीखों के लिए कास्ट हुए थे। फिल्म की कास्ट जिसमें अदाकार आबद अली भी शामिल थे, वो उस यूनिट के साथ हदायतकार हसन अस्करी पूरे लाओ लश्कर के साथ जुवेद शेख के हमरा मिस्र पहुंचे थे, मगर वहां एयरपोर्ट पर शूटिंग्स का तमाम साजो सामान जब्त कर लिया गया था। महदूद अयाम और उन महदूद अयाम में जुवेद शेख की महदूद तारीखें थीं। जुवेद शेख ने मजीद तारीखें देने से इनकार कर दिया था कि पाकिस्तान में वो कई फिल्मों की अक्सबंदी में मसरूफ थे। जब जुवेद शेख की हासिल करदा तारीखों के दौरान सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिल सकी तो वो वतन वापस आ गए। किस्मत के खेल देखिए कि जैसे ही जुवेद शेख वतन वापस आए वहां मिस्र में सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गई, लेकिन अब जुवेद शेख की जगह पर कौन कास्ट किया जाए। तमाम अदाकार उन दिनों मसरूफ थे। फिल्म का यूनिट आउटडोर मिस्र में था, बामुश्किल साजो सामान क्लियरेंस हुआ था, अब क्या करते हैं। तब टीवी के सुपरस्टार लेकिन फिल्म के स्पोर्टिंग स्टार आबद अली साहब ने कोटा से तलक रखने वाले एक अदाकार की तरफ इशारा किया जिनका उन दिनों कराची मरकज से ड्रामा शहीन मकबूलियत हासिल कर चुका था और उनको बासानी पाकिस्तान से बुलाया भी जा सकता था। हदायतकार हसन अस्करी ने हामी भर ली और उन्होंने फिर इस्माइल शाह को मिस्र में बुला लिया। लेकिन जब वो मिस्र पहुंचे तो हसन अस्करी मजीद बददिल हो गए। गुंगरेले बाल, छोटा सा कद, सांवला रंग, छोटे छोटे बाजू, हर तरफ से फिल्मों के लिए इस्माइल शाह उन्हें लगे कि वो नामौजू हैं, जिसको कैमरा के सामने दिखाने के लिए, ऊंचा करने के लिए किसी मददगार चीज की जरूरत हो। वो अदाकार फिल्म के लिए मिस्र बुलाया गया था। मरते क्या ना करते कि हसन अस्करी के पास अब कोई दूसरी ऑप्शन ना थी। फिल्म की अक्सबंदी एक गीत से शुरू हुई। जब ये अदाकार रक्स करने लगा तो उसको रक्स की अलवे भी नामालूम थी। हदायतकार हसन अस्करी सर पकड़ कर बैठ गए और कहने लगे कि भाई किसी शादी ब्याह में या फैमिली फंक्शन में या बचपन में कभी तो रक्स किया होगा, वैसे ही हाथ पांव हिला लो। हसन अस्करी के ये अल्फाज उस अदाकार से मुखातब होकर कह रहे थे जिसने पाकिस्तान में रक्स की दुनिया में इंकलाब बाद में बर्पा कर दिया। वो जिस फिल्म में शूटिंग करने के लिए मिस्र गए थे उस फिल्म का नाम था सोने की तलाश। पाकिस्तान में मर्दाना रक्स को एक नई दुनिया से रोशनास कराने वाला ये वही अदाकार है जिसका नाम था इस्माइल शाह और उसकी जोड़ी बनी थी अदाकारा नादरा के साथ। इस्माइल शाह की पहली फिल्म 12 अक्टूबर 1987 के दिन रिलीज हुई थी और फिल्म का नाम था सोने की तलाश, जो कि लेट रिलीज की वजह से रिलीज के एतबार से गालबन उनकी 10वीं फिल्म थी। देखते ही देखते स्टूडियोज में शोर मच गया। इस्माइल शाह हर फिल्म की जरूरत बन गए। उनके शानदार रक्स ने हर सू धूम मचा दी। उर्दू फिल्मों में जबरदस्त उर्दू स्पीकिंग और पंजाबी फिल्मों में मासूमाना पंजाबी लबो लहजा भी उनके पास था। इस्माइल शाह उर्दू पंजाबी और डबल वर्जन फिल्मों की अवलीन जरूरत बन गए। हदायतकार हैदर चौधरी की फिल्म नाचे नागन में उनका रक्स ही शानदार नहीं बल्कि परफॉर्मेंस भी लाजवाब थी। इस्माइल शाह और कांची के किरदार में नादरा ने पाकिस्तानी फिल्मी सिनेमा में तारीख रकम कर दी। जब जब लाजवाब गीतों, बेमिसाल रक्स और खूबसूरत जोड़ियों का जिक्र होगा, फिल्म नाचे नागन का शुमार पहली फहरिस्त में होगा। अगरचे फिल्म नाचे नागन से पहले अदाकार इस्माइल शाह हदायतकार हैदर चौधरी की फिल्म दुलारी में भी किरदार निभा चुके थे, लेकिन सही मायनों में वो फिल्म नाचे नागन के बाद हदायतकार हैदर चौधरी के पसंदीदा अदाकार बन गए थे और उनकी बेशतर फिल्मों में नजर आए, जिनमें फिल्म बर्दाश्त, मिस अल्लाह रखी, हिफाजत, होशियार फिल्म वगैरह शामिल हैं। हदायतकार नजरुल इस्लाम के मशहूर जमाना फिल्म काले चोर में भी इस्माइल शाह को कास्ट किया गया।
उस फिल्म के दो मंजर बहुत ही मकबूल हुए, लोगों ने पसंद किए, जिनमें एक मंजर उनकी मौत का, जबकि दूसरा एक मंजर जिसने सिनेमा हॉल में बैठे हुए फिल्मबीनों को वर्ता हैरत में डाल दिया, वो था हुमायूं कुरैशी के सामने दाटता हुआ इस्माइल शाह, जिसे कोई नहीं भूल सका, और हाल में तालियों की गूंज उठ गई। इस्माइल शाह की शोहरत को देखते हुए हदायतकार जान मोहम्मद ने अपनी फिल्म तीन यक्के तीन शक्के में भी उन्हें कास्ट कर लिया। उस फिल्म में उनके साथ इजहार काजी, मुस्तफा कुरैशी वगैरह भी शामिल थे। इस्माइल शाह ने जानदार परफॉर्मेंस से अपनी खुदादा सलाहियतों का सिक्का मनवाया। फिल्म में उनकी मौत का मंजर हदायतकार जान मोहम्मद की हदायतकाराना और इस्माइल शाह की अदाकाराना सलाहियतों का शानदार मंजर था। इस्माइल शाह की बरसी हर साल 29 अक्टूबर 1992 के दिन मनाई जाती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्होंने शराब नोशी कसरत से करना शुरू कर दी थी और यही उनकी मौत का सबब बना, और कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी अदाकारा के इश्क में मुब्तला हो गए थे और उस अदाकारा की बेरुखी बर्दाश्त न कर सके और इस तरह उनका इश्क उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। फिल्मों में अदाकारा नादरा और रीमा के मुकाबले उन्हें बेहद पसंद किया गया। हदायतकार शमीम आरा और संगीता के अलावा नजर असलाम, इकबाल कश्मीरी, हसन अस्करी, जान मोहम्मद, हसैन, अशफाक काजमी और दूसरे कई डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया, और इन डायरेक्टर्स की कोई दो राय नहीं थी। पाकिस्तान सिनेमा की तारीख में इस्माइल शाह के जिक्र के बगैर हमेशा अधूरी रहेगी। बलूचिस्तान के रेजगारों से आने वाला वो खूबसूरत अदाकार जिसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और साबित कर दिया वतन अजीज की मिट्टी किस कदर जरखेज है, जिसने इस्माइल शाह जैसे नगीने पैदा किए जो फिल्मबीनों के दिलों पर आज भी राज करते हैं। आखिर पर हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप पढ़ते हैं आपके कमेंट्स। सबसे पहले जो कमेंट्स आया है मिकाल जुल्फकार अली की वीडियो के ऊपर आया है, और रीटा जंजुआ करती हैं, मिकाल जुल्फकार इज माय फेवरेट सिंगर, आई लव टू सी हिज ड्रामा। जी हाँ, उनकी अदाकारी बेमिसाल है और ज़बरदस्त हीरो हैं। अयूब खान की वीडियो के ऊपर अरहम साजिद के नाम से आईडी बनी हुई है, वो कहते हैं फातिमा जना के साथ जो किया उस जर्नेल ने वो क्या था। मधुबाला की वीडियो के ऊपर फरमान अली ने कमेंट्स दिया और वो कहते हैं जबरदस्त जनाब, थैंक यू सो मच, आपको हमारी वीडियो पसंद आई। शफी मोहम्मद की वीडियो के ऊपर शाहीन बलोच कहती हैं शफी इज द बेस्ट पर्सन। जमाल शाह की वीडियो के ऊपर रहील असलम मिर्जा ने कमेंट्स दिया और उन्होंने लिखा है कि माय फेवरेट एक्टर। नूर बुखारी की वीडियो के ऊपर परी खान के नाम से आईडी बनी हुई है, वो कह रहे हैं अल्लाह हम सबको सलीम पाकिस्तानी एक्ट्रेस आलिया ट्रू स्टोरी के ऊपर कमेंट्स आया है। सलीम कुरैशी कहते हैं शी इज द ग्रेट एक्ट्रेस, वेरी वेरी बेस्ट डांसर, एक्सीलेंट परफॉर्मर। अर्शद शरीफ की वीडियो के ऊपर मिसेस शरीफ कहती हैं अफसोस हुआ। अर्शद शरीफ की डेथ के ऊपर हमारी बहन है शाजीब खान से आईडी बनी, वो कहती हैं अर्शद शरीफ अल्लाह की अदालत में चले गए हैं, खून नाहक हुआ है, कत्ल नाहक हुआ है और उसके जिम्मेदार पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, बहुत दुख हुआ। ये थे वो कमेंट जो आपने हमारी पिछली वीडियोस पर दिए थे, थैंक यू सो मच। मौजूद सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्रीसी है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।